हमारी तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नया साल आ चुका है और इस साल काफ़ी सारी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं साल 2022 में रिलीज हुई बॉलीवुड की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में, जिन्हें IMDb की तरफ से काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और इन सभी फिल्मों को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिनेमा एंड पॉपकॉर्न। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही रहे उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन के नंबर 6 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मिली, जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 79% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में देखने को मिलेंगे जाह्नवी कपूर, सनी कौशल, मनोज पावा, संजय सूर्या, बिनानी राघव जैसे और भी कई सारे कलाकार। बात करें मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो कहानी मिली नाम की एक लड़की की है जो देहरादून से BSc नर्सिंग का कोर्स पूरा करने के बाद कनाडा जाने की तैयारी करती है। इसके अलावा वो रेस्टोरेंट में काम भी करती है। एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते वक्त वहाँ का मैनेजर गलती से उन्हें फ्रीजर रूम में बंद करके चला जाता है। यहाँ से शुरू होती है फिल्म की अहम कहानी। -17 डिग्री तापमान में मिली कैसे सर्वाइव करती है, यहाँ से निकलने के लिए मिली हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आती है। अब मिली कैसे यहाँ से निकलती है और इस दौरान मिली को कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यह जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस फिल्म को देख सकते हैं। इस काउंटडाउन के नंबर 5 पे आती है साल 2022 में रिलीज क्राइम थ्रिलर मूवी दिसम 2, जिसे IMDb की तरफ से 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 97% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में देखने को मिलेंगे अजय देवगन, रजत कपूर, अक्षय खन्ना, सौरभ शुक्ला और तब्बू जैसे और भी कई सारे कलाकार। बात करें मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो दिसम 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहला पार्ट खत्म हुआ था। डेड बॉडी की तलाश जारी है। तब्बू पुलिस से रिटायर हो चुकी है लेकिन फिर गोवा आ जाती है और गोवा के मौजूदा IG और अपने दोस्त अक्षय खन्ना की मदद से इस केस को फिर से खुलवा देती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है, जहां उन्हें डेविड के रूप में एक अहम सुराग मिलता है। दोबारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फंसे इस परिवार के लिए क्या विजय हीरो साबित हो पाते हैं, क्या पुलिस को डेड बॉडी मिल पाती है, डेविड के पास क्या राज छुपा हुआ है, पुलिस और विजय की दिमागी जंग में आखिर कौन जीतता है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा। तो अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे काउंटडाउन के नंबर 4 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा मूवी रॉकेटरी द नब्बे इफेक्ट, जिसे IMDb की तरफ से 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 95% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आए हैं आर माधवन, नब्बी नारायण, शाहरुख खान, सिमरन बग्गा और सूर्या जैसे और भी कई सारे कलाकार। बात करें मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो फिल्म की कहानी नब्बी नारायण के जीवन पर आधारित है, जिसने देश के लिए विज्ञान के क्षेत्र में अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन दिया लेकिन बाद में उस पर देश के साथ गद्दारी करने के आरोप लगे और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। मामला अदालत तक पहुंचा, परिवार के साथ वसूली की और नाइंसाफी भी हुई। हालांकि बाद में नब्बी नारायण को अदालत से बेकसूर ठहराया गया और उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। फिल्म दर्शाती है कि किस तरह एक सीधे साधे इंसान को कुछ लोग बुरी तरह प्रताड़ित करके उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। इस फिल्म को आप वूट पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे काउंटडाउन के नंबर 3 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा मूवी मेजर, जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 93% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी के रिव्यू में नजर आए हैं आदिविशेष, साई मांजरेकर, शोभिता धुलीपला, प्रकाश राज और अनीश कुरुवल्या जैसे कलाकार। बात करें मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो यह फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 26/11 हमले में आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से मेजर उन्नीकृष्णन बचपन से खुद को एक सैनिक की वर्दी में देखना चाहते थे। उन्नीकृष्णन अपने परिवार वालों से ज्यादा अपने देश से प्रेम करते थे। उन्नीकृष्णन NSG में मेजर बनता है। वह कई मौके पर अपने देश प्रेम और हौसले की मिसाल कायम करते हुए आखिर में ताज होटल हमले में शहीद हो जाता है। मेजर उन्नीकृष्णन उस वक्त किस बहादुरी से होटल में फंसे लोगों को आतंकियों से बचाता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इस फिल्म को देख सकते हैं। इसका नंबर 2 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक्शन मिस्ट्री
मूवी विक्रम, जिसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 95% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में देखने को मिलेंगे कमल हसन, विजय सेतुपति, फहद फासिल जैसे कलाकार। बात करें मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो फिल्म की कहानी कैथी फिल्म से लिंक है। फिल्म की कहानी कैथी के खत्म होने के कुछ महीनों बाद से शुरू होती है। इंस्पेक्टर विजय ड्रग का इलीगल कंसाइनमेंट पकड़ता है, इसमें से 2 कंटेनर गायब हो जाता है। पुलिस इस कंटेनर तक पहुंचे इससे पहले संतरम नाम का एक ड्रग लॉर्ड इसे ढूंढना चाहता है। इन सब के बीच चेन्नई में पुलिस वालों की हत्या होनी शुरू हो जाती है। एक नकाबपोश गैंग इन हत्याओं की जिम्मेदारी लेता है। अब इस गैंग का मकसद क्या है और वे लोग पुलिस वालों को एक एक करके क्यों मार रहे हैं और क्या पुलिस इस ड्रग कंटेनर को ढूंढ पाता है कि नहीं, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इस फिल्म को देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे काउंटडाउन के नंबर 1 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक्शन मिस्ट्री मूवी भेड़िया, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 92% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में देखने को मिलेंगे वरुण धवन, कीर्ति सेनन और दीपक दोबरियाल जैसे कलाकार। बात करें मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में तो कहानी भास्कर नाम के एक व्यक्ति की है, जिसे रोड बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है और वह प्रोजेक्ट के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश जाता है। ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में भास्कर जंगल के बीच से रास्ता निकालने का प्लान बनाता है। वहां भास्कर की मुलाकात पांडा से होती है। इस बीच पांडा उन्हें विषाणु की जानकारी देता है। जंगल में एक विषाणु रहता है, वह उन लोगों का शिकार करता है जो जंगल को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब फिल्म की आगे की कहानी सुनने से अच्छा होगा आप खुद इस फिल्म को देख लीजिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इस फिल्म को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के काउंटडाउन वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं लेटेस्ट मूवी एंड वेब सीरीज की लिंक शेयर करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।